अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डीजी मेंटोर पीके। जैसा कि मैंने एक्सेल पे पहले 3 लेक्चर बना दिए हुए हैं, तो आगे मैं प्रोसीड करूंगा मजीद। तो मैं सबसे पहले वो फाइल ओपन करूंगा जो मैंने लेक्चर में बनाना स्टार्ट की थी इससे पहले, स्टूडेंट डाटा के नाम से। तो इस पे मैंने पासवर्ड लगाया हुआ था कि आपने पासवर्ड कैसे लगाना है ये भी मैंने बता दिया अपनी फाइल को। तो वो मैं लगाता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। तो ये फाइल मेरी ओपन हो गई है वो वाली। अब आपने इसको फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है आज मैं इसको ये बताऊंगा। सिंपल आपने फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है और ये देखें सेव एज टाइप, ठीक है। इधर से आप टाइप सेट कर सकते हैं, पीडीएफ करनी है या और कोई करनी है। अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ पे कन्वर्ट करें और सिंपल सेव कर दें। तो ये आपकी फाइल पीडीएफ में क्रिएट हो चुकी है। तो पीडीएफ में बनाने का आपको फायदा क्या है? अगर आपने किसी को फाइल सेंड करनी है तो वो एडिट ना कर सके तो आपने पीडीएफ फॉर्म में सेंड करनी है, अदरवाइज आप दूसरी फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा पीडीएफ फॉर्म में आप फाइल सेंड करें किसी को भी, अगर किसी के पास एक्सेल ना हो तो भी वो इस फाइल को देख सकता है। तो इसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं। इस तरह आप आसानी से किसी भी फाइल को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।